नेवे तो बढ़ गए 20 रुपए। ये गन्ने की ऐसी की तैसी कहाँ 20 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए को कोहरा। जब लोग बाग यूँ कह रहे हैं मेरा 100 क्विंटल बीघे का निकल रहा, 20 रुपए गन्ने पर बढ़ गए तो 2000 रुपए बढ़ गए बीघे पर। जो सबसे बड़ी गलती करी है जो अग्निवीर की करी है, उनको 4 साल के लिए रखा है। 20 रुपए में क्या हो रहा है बताओ, खेती जब आज भी कर रहे हैं पता लगे। आज दुगनी नहीं हुई आपकी? अजी दुगनी हुई, कहाँ से लिखनी पड़ी? अजी कहाँ से आ गए अच्छे दिन, इस मोदी ने तो ऐसा करा, ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री ने करा ही नहीं आज। लो पर मिला तो कुछ नहीं, उम्मीद तो ये भी थी कि भाई ये सम्मान निधि बढ़ के 12,000 हो जाएगी, ऋण माफ हो। जयंत में ये खूबी है, जयंत हमारे किसानों के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसान तो बहुत घाटे में जा लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में, मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव बहुत नजदीक है, आज हम पहुंचे हैं महल की गांव के अंदर। मिलीजुली आबादी का ये गांव है, लोकसभा है मुजफ्फरनगर, और यहाँ के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान जी। उनके कामों से ये कितने खुश हैं, सरकार ने वादा किया था 2022 तक अच्छे दिन और किसानों की आय दुगनी, क्या इनके अच्छे दिन आए हैं, क्या आय दुगनी हुई? योगी जी ने 20 रुपए का इजाफा किया है गन्ने के भाव में, उसको लेकर के किसानों के मन में क्या है, तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं किसानों के मन की बात। जिले सिंह, किस समाज से हैं? जाट। जाट है, कैसा काम कर रही है सरकार? बढ़िया कर रही है जी। अच्छा, खुश हैं? खुश हैं हम तो। क्या अच्छा कर रही है? क्या अच्छा कर रही है, अपने खेत पर रात को जा भी नहीं सके थे, दिन रात कहीं घूमो। सुरक्षा है? सुरक्षा है। अच्छा, 20 रुपए बढ़ाए हैं सरकार ने? हाँ जी, योगी जी ने। हाँ, कैसे देख रहे हैं इसे 20 रुपए के भाव को? ठीक है, जो कुछ बढ़ा दिए ठीक है। हाँ, संतुष्ट हैं? संतुष्ट। मेन मुद्दा सुरक्षा है? हाँ, सुरक्षित है? सुरक्षित जी। सर, क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। चौधरी साहब, कैसा काम कर रही है सरकार? वाह, हमारी समझ से तो कर नहीं रही जी। ये तो कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, नहीं लग रहा होगा जी, 20 रुपए ना ज्यादा लग गया, हमें तो लगे नहीं। रुपए की बात नहीं है, हमने रुपए की बात ही नहीं करी, सुरक्षा की बात करी। बात तो कह रहे हैं सुरक्षा, हमने सिर्फ सुरक्षा की बात। सुरक्षा तो जब से हम पैदा हुए हमें तो ऐसी दिखाई दी थी, पहले भी ऐसी थी, हम तो आज भी ऐसी है, कुछ नहीं बदला है। जो कहने से क्या सारा लगा है? अरे हम बताऊंगा, जो कहने से कुछ सारा तब बता दूं। हम जंगल में आज भी ऐसे ही थे, आज जब भी ऐसे ही थे, जब भी गए और आज भी गए। सही, कैसा काम कर रही है सरकार ये बताइए? बेकार कर रही है बिल्कुल। क्या कमी है सरकार में तो कह रहे हैं, बताओ क्या कमी नहीं है इसमें? बुझो बताओ, बुझो क्या कमी है? आय दुगनी हो गई, कहाँ होगी? अच्छे दिन आ गए, कहाँ गए बताओ, कहाँ गए आप बताइए, आपके क्यों नहीं आए इनके? तो खाद पदक को कितने पैसे बढ़ गए, गन्ने पे तो बढ़ गए 20 रुपए। ये गन्ने की ऐसी की तैसी कहाँ 20 रुपए बढ़ गए, 20 रुपए को कोहरा, खर्चा कितना बढ़ गया? क्वांटिटी घटा दी उन्होंने, 8.5 धड़ी का घट्टा कर दिया यूरिया का। भाई तुम एक हिसाब लगाओ, जब लोग बाग यूँ कह रहे हैं मेरा 100 क्विंटल बीघे का निकल रहा, 20 रुपए गन्ने पर बढ़ गए तो 2000 रुपए बढ़ गए बीघे पे, 2000 का खर्चा भी नहीं होता बीघे में, लागत का निकल रहा 100 क्विंटल का बीघा, हमारा तो निकल रहा है भाई। जब लोग बाग कह रहे हैं हमारा 100 क्विंटल, अब बोल लो भाई किसी का निकल रहा हो तो भाई किसी का बोल लो भाई, हमारा तो निकल रहा है भाई 100 का आए तो, और दुगनी होगी और घट गया। हम तो और भाई हम जो सन 13 से जब बाद पहले जो हम थे जब ठीक थे बल्कि, आज जिस दिन से भाजपा की सरकार आई उस दिन से फेल ही फेल होते जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है जी, कैसी की तहसील साहब ने कई साल में मिली, इतनी सारी सड़कें बन गई हैं, कहां से बदल दिया, पूरा राम मंदिर बना दिया, सड़क बजाते साला टोल टैक्स एकदम ठुक जा। बिजली आ रही है बहुत अच्छी, बिजली का सालों का बिल डोडे क्या 22,000 बिल आ रहे घरों के, बताओ साल भर का बिल 22,000 का मेरा, जो वीर सिंह बट्टा इसने तक का मेरा। अच्छा, तो खुश नहीं कुल मिलाकर? हां, खुश है सरकार। सांसद जी हैं आपके, केंद्रीय मंत्री वालियान साहब, हम ना जब ऐसा, हम तो जाएंगे लोक दल को अपने गठबंधन को। अच्छा, हाँ नहीं, वालियान साहब कैसा काम कर रहे हैं? वालियान को अभी काले का मंदिर में जहाँ से शुरुआत करी थी, वालियान नहीं अभी चंदक गए थे, उन्होंने मना कर दी थी। अच्छा, चंदे के लिए गए थे? हाँ, काले का मंदिर पर लैंटर गिरवाया था, बिल्कुल मना कर दिया क्लियर। आपका ब्रजमोहन, कैसा काम कर रही है सरकार? सर ऐसा है जी, देखो मेरे पास तो खेती नहीं है, मैं तो अभी इस चीज में मतलब जानकारी भाई कितना मिल रहा है क्या है, फौजी हूँ, पर जो सरकार ने हम फौजियों से वादा करा था 1 रैंक 1 पेंशन का आरओपी नहीं, अभी कहा क्या उसमें अफसरों को ज्यादा दे दिया, जवान तो ऐसे ही पिछड़ रहे हैं, उसमें उनको ज्यादा मिला, हमें उनके मुकाबले बहुत कम मिला। एक एमएसपी है वो
जो हमारा इसमें लगता है पेंशन में और तनख्वाह में मिलता है, उसमें अफसरों का हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो चीज से हम खपाए। और दूसरा जो सबसे इस सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती करी है, जो अग्निवीर की करी है, उनको 4 साल के लिए रखा है, वो नहीं करना था। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे आके? 4 साल ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा? नहीं, ज्यादा लोगों को तो मिलेगा, पर जो पहले चल रहा था जैसे, वो बहुत अच्छी चीज थी। और ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको इसकी मेडिकल सुविधा मिलेगी, ना उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी, वो ठीक नहीं हुआ है इस सरकार की तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है जी। कैसा काम कर रही है सरकार? अगर कोई किसानों को चीज बढ़ी बताओ, हर चीज घटी रही। यूरिया पे इन्होंने पैसे घटा दिए, बढ़ा दिए, यूरिया घटा दिया, 40 किलो घटा कर दिया। गन्ने पे तो बढ़ा दिए 20 रुपए, गन्ने में 20 रुपए में क्या हो रहा है? आज एक खेती जब आदमी कर रहे हैं पता लगे, आज दुगनी नहीं हुई आपकी? अजी दुगनी हुई, कांच लिकड़ी पड़ी तुम्हें पता, आज दुगनी हो रही। वैसे पीछे कटना भारी हो रहा, कैसे करे बताओ? सरकार तो कह रही है किसान का सम्मान कर रहे हैं, हम सम्मान निधि दे रहे हैं, वहाँ कुर्सी पर बैठ ऑनलाइन कर दिया, पर्ची ऑनलाइन आ रही है। जो तो पर्चियों से क्या हो रहा, पर्ची रोड बन गए आपके, हाईवे बन रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई हाईवे नहीं बन रहा, कहीं बन रहा रोड देखा आपने? कहीं बता दो आप ही कहीं बन रहा हो रोड बताओ। जानसठ वाला रोड बन गया, बिजनौर वाले पे काम चल रहा है, जिससे क्या लेना हो? दूर है हमारे तो, उससे क्या हर जगह टोल टैक्स इससे ना बनते जब ठीक थे। हाँ बुरा हाल है जी किसान का, तुम्हें पता बहुत बुरा हाल है। मिला के खुश नहीं है सरकार से, किसान टूटा पड़ा बेकार हो रहा है जी। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, हाँ जी, अच्छे दिन आ गए आपके? अजी कहाँ से आ गए अच्छे दिन, इस मोदी ने तो ऐसा करा, ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री ने करा ही नहीं। आज लो कहीं सोसाइटी में जाओ, किसान अधिकार हमें, यो लेना हो ले लो, नहीं ले तो चले जाओ बैंक में जाओ पैसे लेने, 50,000 पैसा मारा, 50,000 रुपए से ऊपर तो मैं पैसे नहीं दे, मारे पैसे यार हमें नहीं कहा तो मैं नहीं देवे। तो बताओ कहाँ से अच्छे दिन आ जागे? जब अपनी चीज नहीं ले सकते हम, तुम्हारे अच्छे दिन कहाँ से आ जागे? दिन दिन जब अच्छा आते हो, जब हमारी जो चीज हमें इस पर अधिकार है, हमें अधिकार ही नहीं किस चीज का? आप बताओ किस चीज का अधिकार हमें? बैंक में चले हमें 1 लाख की चाह आज हमें नहीं मिल सकता, कितनी झंझट कर लो, तो कौन सा अच्छा दिन है? पैन कार्ड नहीं लगाया होगा आपने? पैन कार्ड भी सब चीज है, नहीं देते उन, कह दे लेना हो लो, नहीं इससे ऊपर हम देते, इससे ऊपर नहीं देते हम। अच्छा लिमिट है आपकी? हाँ। गन्ने का भाव तो बढ़ा दिया 20 रुपए? अजी 20 रुपए में क्या रहा, क्या साल में भाव बढ़ा? और एक बार तो रात को पानी में जाकर जाड्डे में फेर कर देखो, पता चला कैसे पैसा आवे खेती का? कुर्सी पे बैठ कर पैसा नहीं मिलता, ये मिट्टी में पैसा निकालना कोई ऐसी ऐसी बजा के इतनी, ये किसान की हिम्मत है? मिट्टी में पैसा काट कर अपनी कंधों पर कर कर घेर कर जब पैसा ला रहा रात को, कुर्सी पे बैठ कर पैसा नहीं मिलता। अच्छा 24 में चुनाव आ रहा है इसी साल जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो ये हमारी तो इच्छा है नहीं, हम तो जो है जो पार्टी किसानों के हित के लिए रहेगी उसको वोट देंगे, कोई सी भी आए। मुकाबला लग रहा है कि भाजपा और गठबंधन में होगा? हाँ जी, जयंत चौधरी। हाँ जी जयंत चौधरी। योगराज सिंह की उम्मीद है इस सीट से? बिल्कुल नगर से। बिल्कुल, तो किधर जाएंगे? योगराज पे जाएंगे जी। योगराज पे? बिल्कुल जी। क्या खूबी है लोकदल में? हाँ जी, क्या खूबी है लोकदल में? उनमें खूबी बहुत है जी, वो सब अपना है जी, वो किसानों के हित में बोलते हैं, किसान किसान किसानों के हित की बात कर रहे हैं। बताओ आज लो इतने संसद में कोई किसानों के उसको बोल रहे भी, उसे जो बोल रहे उसे दबा दे बेचारे को, अकेला आदमी क्या कर लेगा? जब 10-20 आदमी मिलकर बैठेंगे संसद में किसानों के प्रति, जब तो कुछ निकलेगा। और मैं अकेला हूँ यहाँ, कुछ करता रहा तो क्या हो, कुछ भी किसानों की आवाज है लोकदल। हाँ जी वीर सिंह जी, कैसा काम करे सरकार? सरकार तो बस ऐसा ही करा रही काम, हम कुछ नहीं कर रहे, कह हमें कुछ करें कुछ, झूठे वादे चल रहे हैं सब। वो तो कह रहे हैं सारे वादे पूरे कर दो जी, सारे वादे। मंदिर से हमें क्या मिल जाएगा? हमें खेती करनी, खेती में तो घाटे का सौदा हो रहा है बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी कर दो जी, आय दुगनी कहां, 20 रुपए बढ़ने से क्या हो गया? और तो मजदूरी बढ़ गई कई गुना, हर चीज पर कई गुना महंगाई, कीटनाशकों पर कई गुना महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक महंगे हो गए, डीएपी महंगी होगी, सारा खर्चा महंगा होता जा रहा, 20 रुपए में क्या हो रहा? आप ये 20 ना बढ़ते, जब भी ऐसे ही चल रहा था तो 20 रुपए खेती में लागत घनी बढ़ गई, कीटनाशक दुगने रेट हो गए, और 20 रुपए से क्या हो, 50 बढ़ते जब भी कम है तो, और चीज को देखते हुए किस्त दे रही है 2,000 की, 6,000 रुपए में साल में क्या हो, एक महीने की मजदूरी नहीं होती, मजदूर बजट भी आ गया, बजट से कुछ हाथ लगा? बजट में क्या मिला किसान को? कुछ भी नहीं मिला किसान को, किसान को तो झुंझुना दे दिया, बजाओ जाओ, किसान के लिए कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं मिला ना। उम्मीद
उम्मीद थी कुछ ऋण माफी वगैरह की? उम्मीद तो काफी थी पर मिला तो कुछ नहीं। उम्मीद तो ये भी थी कि भाई ये सम्मान निधि बढ़ के 12,000 हो जाएगी, ऋण माफ होंगे, बिजली के बिल माफ होंगे, ये भी ट्यूबवेल के है जी, ट्यूबवेल के करे, घरों के तो न करे, ट्वेल्व के पक्के हो गए। एक बात बताओ, एक यूरिया गट्टा लेने जाओ, गैन लैनो लगा दे, बताओ कौन सी सरकार ने क्या फायदा नैनो किसके मस्कू बताओ नैनो के लिए खर्चा है जो 250 रुपए का समझ दूर करो स्प्रे कराने के लिए, और 250 का 250 का एक 250 का तो वो नैनो की शीशी होगी, इतने का ही उसे मजदूर लगाओ इसकी स्प्रे करो, यूरिया था ये तो था उसे बखेरा छुट्टी अपने आप गए बखेर दिया छुट्टी करी, नैनो से लाभ नहीं हो रहा, नहीं नैनो से तो नुकसान होगा और खर्च बढ़ गया, डबल नुकसान हो गया इससे तो नैनो से तो। अच्छा हाँ जी, 24 में चुनाव आ रहा है इस बार 24 में हमारी सीट पर गठबंधन का प्रत्याशी जाएगा योगराज सिंह, जो भी आए कोई भी आए लोकदल से कोई भी आए उसी के हमें तो उसी की उम्मीद है। अच्छा हाँ जी, बालियान साहब के लिए मुश्किल होगी इस बार? बालियान साहब के लिए तो बहुत मुश्किल है, हैट्रिक लगेगी, मुश्किल है नहीं लगती हैट्रिक नहीं लगेगी। क्या नाम है सर आपका? लाल सिंह। कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, ऐसा तो आज लोग किसी ने करा ही नहीं जैसे भाजपा कर रही है काम। अच्छे दिन आ गए क्या आपके? हाँ बहुत ज्यादा, पहले अच्छे दिन आए थे, अब राम मंदिर आ गया, राम राज आ गया, तो इससे अच्छे दिन और क्या होंगे किसान के। मंदिर में जाओ भजन करो, अच्छे दिन आने के लिए लाइन में लगे रहो, अपना काम ना करो पूरे दिन, बैंक में जाओ 10 रुपए लेने के लिए तो पूरे दिन लाइन में खड़े रहो, तो इससे अच्छे दिन और क्या होंगे। 20 रुपए बड़े तो हैं गन्ने पे? आज 20 रुपए क्या साल में बड़े हैं? 5 साल में 20 रुपए बड़े हैं, 5 साल पहले मजदूरी 100 रुपए थी, आज 250 रुपए मजदूर मांग रहा है। 500 रुपए मजदूर अपनी मजदूरी मांग रहा है। और जी ने तो कहा है कि तोहफा दिया किसानों को 20 रुपए का, तोहफा कबूल नहीं कर रहा किसान। अजी बहुत ज्यादा महंगा ज्यादा दे दिया ना तोहफा, इसलिए वो जेब में नहीं आ रहा, ज्यादा बड़ा तोहफा दे दिया, वो झिल नहीं रहा किसानों से। उत्पादन अच्छा नहीं है क्या गन्ने का? हाँ इस साल तो ये मान लो आप 40-60% कम है गन्ना उत्पादन, उपज कम है। अच्छा 24 में चुनाव आ रहा है, जून में क्या लग रहा है इस बार? बस जी ये तो जनता जाने, लेकिन हमारा समर्थन तो है गठबंधन, गठबंधन लोकदल। हाँ जी तो बहन जी भी नहीं है गठबंधन में, अलग है वो भी, बस लोकदल सीधा नल चलेगा इस बार। हाँ पानी निकलेगा पक्का, पहले से निकलता आया है, पानी नहीं निकलेगा तो सब प्यासे रह जाएंगे। हाँ जी पहले भी खोतली में पानी निकाल दिया, दोबारा जब उपचुनाव हुआ जनता ने दिखा दिया इन्हें, अरे इस बार भी दिखा देंगे मुजफ्फरनगर से, अगर हमारे जैन चौधरी साहब आरएलडी के कैंडिडेट आएंगे तो। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। क्या नाराजगी है सरकार से? नाराजगी तो सभी देख रहे हैं क्या कार्य है सरकार के, ठीक हो रहे हैं क्या गलत हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी इनकी व्यवस्था देख रहे हैं, किसान को लेकर भी इनकी नाराजगी है, केवल तो केवल इनकी बढ़ा दिए 20 रुपए कहाँ बढ़ा दिए, 20 रुपए जो बढ़ा दिए इसके लागत इन घटा दिए इन्होंने, यूरिया घटा दिया 5 किलो तो उसमें क्या 20 रुपए बढ़ा दिए, का बिल माफ कर दिया सरकार कह रही है, ट्वेल्व का बिल माफ कर दिया। हाँ ऐसे तो ये तोहफे ये जो है ना मुझले, ये जो 3 साल तक फेंकेंगे बाद में, और अगले 3 साल अब जीतने के बाद फिर ये सबको अपने को सोटी में ले लेंगे। अच्छा विश्वास नहीं है सरकार पे? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा तो क्या विकल्प है 24 में? 24 में हमारे लिए तो चाहे केंद्र स्तर पर कोई भी आए, लेकिन हमारे यहाँ से तो हमारा कैंडिडेट जयंत चौधरी आरएलडी को समर्थन है। क्या खूबी है जयंत में? जयंत में ये खूबी है, जयंत हमारे किसानों के लिए काम करता है, और पार्लियामेंट के अंदर भी कोई नेता ना बोले लेकिन हमारे जयंत चौधरी अपने किसानों के साथ अपने किसानों की मजबूरी रखते हैं, वे बिल्कुल निडर होके वे किसी के ये नहीं सोचते कि हम इनके बारे में बोले या उनके बारे में, वे किसानों के साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। किसानों की आवाज है? किसानों की आवाज है बिल्कुल। अच्छा मायावती ने बढ़ा दिए थे भाई 80 रुपए तो, मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए थे, इन्होंने क्या बढ़ा दिया? मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए थे, ये तो कहीं लो भी नहीं, 55 रुपए बढ़ाए हैं अजी का, तो 80 रुपए मायावती ने बढ़ाए थे, उसने तो एक योजना में ही बढ़ा दिए थे, तो ये कहाँ है, ये कुछ भी नहीं। इतनी सारी स्कीम सरकार ने चलाई नहीं, बेकार है बिल्कुल, थराशाही है बिल्कुल, जमीन पर कुछ नहीं है। अब ये देखो ये रास्ता फोड़ के फेंक रखे, टैंकी वहां बनी फड़ी, अभी तो एक बूंद पानी आया नहीं, इसका टैंक बना रही है बिल्कुल नहीं, पानी आया हो तो बोल लो इनसे, एक टोपा पानी नहीं आया ईमानदारी से, टैंकी तो लगी होगी आपके, टैंकी लगी खड़ी वहाँ, लेकिन पानी आता ही नहीं, आवे तो सारे पाइप फट जाए, लीकेज है सब जगह।
अच्छा हाँ नाम को टैंकी जो एक दिन चलाई नहीं, एक दिन भी हमने उसका पानी पिया नहीं। अगर हमने पानी पिया हो टंकी फेल है ये। बिल्कुल फेल है, कागजों में है बस। बिल्कुल कागजों में है, जल मिशन चल रहा है हर घर। अजी कुछ नहीं, अगर देखो यो टंकी लग रही, और यो लग रही कभी भी इसमें एक टोपा पानी जिस दिन से लगी ना, यो एक टोपा सरकार हमारे गाँव में तो सारे करोड़ का बता रहे हैं बजट है, सारा रास्ता फाड़ दिया। और संजीव बालियान तो बिल्कुल गन्ने के भाव में, अभी क्या था 92 रुपए मिलेगा संजीव बालियान की, तो इतनी भी चलती बेचारे की जो अपनी मन वाले कही मन वाले था, 1 रुपया ज्यादा मिलेगा और स्टेट से, और स्टेट से क्या था नहीं क्या था। अब कहाँ है संजीव बालियान ने तो कहीं मानते ही नहीं इसकी। एक फ्री 24 पे नकलऊ इनने क्या था पिछले साल, जब इनने वे बढ़ाए थे 10 रुपए बढ़ाए थे, 2500 था भाव, 5.5 होता, कहने लगा 65 का भाव होगा। संदीप चौधरी ने इंटरव्यू ले रहा था संजीव, इसका संजीव बालियान का, लेकिन बढ़े कितने, बढ़े कितने, ढाई उस पे 250 350 पे टक गए। पश्चिम में सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं जाट नेता भाजपा में, अब खत्म, बिल्कुल खत्म है। पहले वोट दी संजीव बालियान को, अब नहीं दे का खाता ना खुले इस बार, जो बहन जी ने संजीव बालियान अब क्या चल रही है, 8 बजे तो हरा जगह, 8 बजे तो हरा जगह। हाँ कौन हरा देगा, जैन चौधरी गठबंधन से, इस बार तो बहन जी भी नहीं है साथ में, बहन जी आवेगी कल, अति आत्मविश्वास है क्या। हाँ नहीं बहन जी तो अलग जा रही है, चंद्रशेखर तो है, चंद्रशेखर का बहुत दबदबा है। अच्छा रावण से उम्मीद है। हाँ बहुत दबदबा है हमारे यहाँ तो, इस पर मदन भैया पर बहुत वोट गई हमारे गाँव में से, तो जितनी भी जब भी रावण आया ना उसे उसी जिता दिया। नाराज लग रहे हैं बालियान साहब से, अरे भाई करवाया क्या है, देखो करवाया क्या, हमारे गांव में, हमारे गांव में नदी कोई आई नहीं या नहीं जी। हाँ प्रधान जी आगे भाई नाराज, खुश तो जब होंगे जब हमारी आय बाय उसमें दुगनी हो जाती, हम खुश हो जाते, आय दुगनी नहीं हुई। नहीं नहीं जी, खेती करते हैं आप, किसान है, खुश नहीं गया गन्ने के भाव से, क्या खुश हम 20 रुपए में बताओ, सरकार ने बढ़ाए तो है, क्या है 20 रुपए, 20 रुपए हम नहीं मानते, 20 रुपए 24 में चुनाव आ रहा है अभी मई जून में, क्या लग रहा है इस बार, हम तो लोकदल को वोट देंगे जी। अंकल जी हाँ, क्या नाम है आपका, मेरा नाम सुखपाल सिंह है, बता क्या बुझे है, कैसा काम कर रही है सरकार, सरकार झूठ बोल रही, धोखा दे रही, जुमलेबाज है। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आगे किसानों के, ठीक है भैया गन्ने पे बढ़ा दिए, बस मीडिया उनकी सब उनके ही है, जैसे वे कहे वैसे वे कहे, और नहीं कोई बात, कुछ नहीं किसानों के लिए तो कुछ किसी तरह का, अच्छे दिन आए आपके, ना झूठ बोल रहे हैं, किसान तो बहुत घाटे में जा लिया, कितना खर्चा है, कितनी महंगाई है, जो जरूरत है किसान की, क्या भाव मिले चीज, कोई सी चीज ले लो, ट्यूबवेल का बिल फ्री कर दिया सरकार ने, कहां बिल फ्री कर दिया, बोले लगा रखे क्या ना मीटर, जब फ्री कर दिया तो मीटर की क्या जरूरत थी, बिल दे रहे हैं आप, हाँ अभी भी आ रहा बिल, अभी भी आ रहा, क्या कोई देना नहीं आ रहा, हाँ बिल आ रहा है अभी भी, हाँ सांसद है आपके केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, संजीव बालियान बेचारा क्या करे, उसके क्या बस का है, उसकी कहाँ चले है भाई, यानी वो तो ठीक है किसानों के हक का आदमी है, बात कहे किसानों की, पर जब कोई सुनता नहीं तो लाचार है वो। अच्छा सुनवाई नहीं है भाजपा में बालियान साहब की, नहीं वो बात नहीं है, बस अमित शाह की और उसकी है मोदी की सुनवाई, और किसी की नहीं है, अनदेखी हो रही है किसानों की, हाँ अनदेखी हो रही है। अच्छा 24 में चुनाव आ रहा है मई जून में, हाँ क्या लग रहा है इस बार इधर रहेगा किसान, किसान किसान तो वहाँ रहेगा जहाँ इसे फायदा दिखाई देगा। ये बताइए बालियान और योगराज में से किसकी उम्मीद लग रही है, योगराज जी की लग रही है, योगराज सिंह को टिकट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, वही चल रहे हैं अभी दावेदारी में सबसे आगे, अब ये तो पार्टी तय करेगी, देखिए ये तो हमारा ये जनता का विषय नहीं है, कि एक बार नाम चला है जैन चौधरी की भी डिमांड, हाँ हो रही है चारू चौधरी की भी डिमांड है, ये तो देखिए पार्टी का विषय है, ये तो पार्टी तय करके, हम सपोर्टर है, किसको मिलना चाहिए टिकट, हम सपोर्टर है जी जैन चौधरी के, जो हमारी बात रखेगा, और अगर जैन चौधरी जी जिसे भी टिकट देते हैं हम उसके सपोर्टर है, कोई भी लड़े चुनाव, कोई भी लड़े उनकी तरफ से कोई भी चुनाव लड़े हम उसके सपोर्टर है, हमें ये उससे मतलब नहीं है, ये तो पार्टी का विषय है कि किसे भेजें किसे ना भेजें, ऐसे ही भाजपा है पता नहीं किसे किसे नए नए चेहरे निकाल के ला रही है, तो ये तो पार्टी का विषय है,
हमारा जो मेन मुद्दा है, हम अपने जैन चौधरी जी के साथ हैं और हमें उन पर विश्वास है कि आने वाले समय में किसानों के हित में ही कार्य करेंगे। 24 में बदलाव हो सकता है? 24 में हमारे 24 में देखे केंद्र के स्तर पर तो बदलाव नहीं हो सकता, इसको तो जनता भी देख रही है। जैसे जैसे ये जुमले फेंक रहे हैं जनता की तरफ, तो इस हिसाब से तो बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन मुजफ्फरनगर के अंदर बदलाव हो सकता है। पश्चिम में? हाँ, पश्चिम में। हाँ, उम्मीद है। हाँ, बागपत सीट से और मुजफ्फरनगर सीट पे तो पक्का बदलाव हो सकता है। तो ये थे महलकी के किसान, इनका साफ कहना है सरकार के काबों से ये लोग संतुष्ट नहीं है और 24 में ये किसान बदलाव भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही।